संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव गुमला जिला में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंजन धाम मंदिर जय हनुमान जय बजरंगबली व जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। रांची गुमला लोहरदगा यूपी व आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु आंजन धाम पूजा करने पहुंचे थे। जन्मोत्सव कार्यक्रमों में शामिल लोगों के चेहरे में हनुमान जी के प्रति आस्था व भक्ति का भाव झलक रहा था। लोगों ने पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ति का वरदान संकट मोचन हनुमान से मांगी। दिन भर आंजन गांव में श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। पूरा आंजन गांव भक्ति व आस्था से सराबोर नजर आ रहा था। पूजा अर्चना के लिए ऊपर आंजन व नीचे आंजन दोनों स्थानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गुमला शहर से हजारों की संख्या में लोग दो पहिए, तीन पहिए व चार पहिए वाहनों से आंजन धाम पहुंचे थे। आज इससे पहले तो मैं हनुमान जयंती के इस अवसर पर आंजन धाम जैसे पवित्र हनुमान जी के जन्म स्थान से मैं पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को, क्षेत्रवासियों को, यहाँ के सांसद होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तरोत्तर आज इस पवित्र धाम का, हनुमान जी के इस जन्म स्थान आंजन धाम का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और लगातार इसमें प्रयास जारी है। राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार व्यक्तिगत रूप से भी हमने निवेदन किया है, प्रश्नकाल में भी हमने क्वेश्चन उठाया इस धाम के विकास के लिए। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मंदिर परिसर में 251 किलो का आज विशाल घंटा का भी आज उद्घाटन हुआ है। हनुमान जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर और इसमें हमारे संजीव शर्मा, संजू शर्मा जी और उसके कमेटी की तरफ से इस घंटा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जलेश्वर उत्तर प्रदेश में बनवाया, जो कि मेरा घंटा जिसने बनाया है वो एक अद्भुत घंटा है। इसकी नक्काशी और माँ अंजनी की मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं माँ अंजनी की मूर्ति पूरब और पश्चिम में लगवा सकूं और उत्तर और दक्षिण में। इसमें स्वास्तिक है, एक अद्भुत घंटा है और जो कि अयोध्या का राम मंदिर का घंटा 2100 किलो का, जिस घंटे ने मेरे घंटे ने बनाया उसी को उसका ऑर्डर मिला हुआ है, वहाँ वो भी निर्माण चल रहा है और ये एक अद्भुत घंटा है। पूरे इंडिया में ऐसा घंटा देखने को नहीं मिलेगा। आया था अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।